देखो मैं इसको ऐसे ऐसे कर रही हूँ ना, इसकी माँ कैसे मतलब ऐसे मार डालेगी अभी मुझे। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी आज। 6 बजे उठने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद बर्तन धोए, सफाई कर दी, सब कुछ कर दिया। और मौसम देखो आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रामपुर में इतनी गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और रामपुर के मुकाबले यहाँ तो बिल्कुल सही है। और मन कर रहा है यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाए। और मम्मी पापा दोनों अभी फिर से सो गए, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं और हम उठ गए थे 6:30 बजे तक। हम 7 बजे तक मैं पूरा काम करके ख़त्म हो गई थी, और वो लोग फिर से सो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और गांव में कोई भी नहीं है इस वक्त, सब लोग घास के लिए गए होंगे, और मैं यहाँ पे पागल हो रही हूँ। तो मैं इधर आई थी फूलों को देखने और सब्जियों को देखने। और ये देखो मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या बीजा है घर में। इधर पापा ने सब्जियाँ वगैरह लगाई है। यहाँ देखो ये जो है बैंगन के पेड़ है, और इधर टमाटर के पेड़ है। इसमें लक्कड़ लगाया ताकि टमाटर के पेड़ जो है बिल्कुल अच्छे से खड़े रहे, नीचे ना गिर रहे, इसलिए लगाए हैं। और इधर वो गोभी और बंद गोभी है, इसके ऊपर कल डिस्कशन चल रही थी कि ये फूल गोभी तो है लेकिन इसमें फूल ही नहीं है, और ये बंद गोभी है। चलो बंद गोभी तो है। और इधर टमाटर लगे हैं, और इधर देखो इसमें टमाटर भी लग गए हैं, और इधर मक्की भी बीजी हुई है। इधर गोभी है देखो मक्की, इधर देखो सेब कितने बड़े बड़े हो गए हमारे। और इधर हमने मिर्ची भी बीजी हुई है, और यहाँ देखो इसमें कितने सारे सेब लगे हुए हैं। और इधर पीछे को भी मक्की के पेड़ हैं। और यहाँ से मेरे घर से कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है। और उधरली साइड देखो, श्रीखंड साइड बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है। देखो एक ही वाइट कलर का फूल है, कितना से प्यारा लग रहा है ये। और इधर को पिंक कलर वाली भी है, बट ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने सोचा था कि इतना ही है, बट नहीं, ये वाली जो बेल देख रहे हो ना आप, ये ना तरबूज की बेल है, और इसमें तरबूज कहीं लगे हैं शायद से, अभी नहीं लगे। और यहाँ देखो ये जो है सारे मिर्ची के पेड़ हैं, हमने लगाए भी हैं बट अभी ज़्यादा हो गई है, शायद यहीं पे लगेगी इसमें मिर्चियाँ। और मेरे को लगा था इतना ही है, बट काफ़ी बीजा है, बहुत है इतना भी हमारे लिए। तरबूज पता नहीं लगे हर साल होते हैं, बट तरबूज एक भी नहीं मिलता खाने को। निंजा टेक्निक दाची को तीखा करने की। मम्मी ने ना इधर का सारा घास उठा के इधर देखो कितना सारा कर दिया। और हम दोनों भी यहाँ बिठा के रखा है, देखो ये अभी भी नहीं सेब देखते नहीं रहते मम्मी है, इसमें पता नहीं क्या ऐसा घास 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 उसको निकाल रहे हैं। एक ही पुआ निकाला हमने, देखो कितने सारे निकाल दिए। इधर देखो इधर ऊपर ऊपर से सारे से हमने निकाला, और अभी छोड़ में निकाल रही, मैं तो थक गई थोड़ी देर इसको। और मच्छर ना सारे नाक में मुंह में सब जगह घुस रहे हैं अंदर। और ग्लव्स भी देखो कितना गंदा हो गया, गिल्ला फट फट फट, मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। इधर हमने एक बोझे के लिए घास निकाल दिया, यहाँ पे मम्मी बोझे लगा दी, और उधर से छोटी मम्मी घास दे रहे। और अभी हमने निकालना है हीरा मोती के लिए भी घास, और ये जो घास है ये गाय के लिए छोटी मम्मी की। और अब हम हीरा मोती के लिए घास निकालेंगे, और वो हमने ना इधर नीचे वाले खेत में निकालना है। बढ़िया बढ़िया घास छाट छाट के गाय के लिए ऐसा चल पड़ता है। पेड़ में देखो सेब कितने हैं, इस साल हम इसी पेड़ से अमीर होने वाले हैं, हमारे यहाँ अमीरी की वजह बनेगा ये पेड़। और कितने बड़े बड़े हो गए ना, रेड हुआ डट्टू भी। मम्मी ने अभी अपना बोझ उठा लिया, मैंने अपना किल्ठा उठा दिया, और छोटी मम्मी उठ रहे हैं अभी, इनसे उठे ही नहीं जा रहा। चलो चलते हैं, क्योंकि मेरा किल्ठा ना हरे पर जा रहा, अब घर में मिलते आप जो कि। चलो जिस किल्ठे में मैंने घास लाया था ना, उसमें रास्ते में आते थे देखो सेब भी आ गया, सेब तोड़ते तोड़ते। और यहाँ देखो कितना क्यूट क्यूट सा बच्चू है ये। और इसकी माथे पे टिक्की भी है, और इसकी मम्मी देखो नहीं ले जा रही मैं भाई, नहीं ले जा रही मैं। यहाँ देखो कब हुआ ये, कितने मेरे लाए हुए कुरकुरा चुरा चुरा के खा रहे, सो के उठे आंखें सूजी हुई है। देखो इतना सब बचा हुआ निकाला, ड्राम नहीं लाया था सेब, वो कहाँ डाला, मुखे नहीं पाता ये ना। इसको छांट ला, कैसे निकलेगा, कैसे छांट ला, इसमें कीड़े बहुत है, लेकिन इधर कहीं कीड़े छोटे छोटे कीड़े हैं, इसमें बस जाने खानी नहीं। यहाँ जो है
बनी बनाई चाहिए। पापा बड़े पापा अभी सब्जी को बना रहे हैं और हम लोग बैठेंगे यहाँ पे, तब तक कुरकुरे साइड करो। सब्जी बन के तैयार हो गई और यहाँ पे कड़ी है, मैं ये कड़ी खाऊंगी और ये सब्जी खाऊंगी। यार मैंने अभी तक सोई थी और हमारे यहाँ देवता आ रहा था, इसलिए मैं घर आई थी और देवता इधर ऊपर पहुंच गया और मैं अभी सो के उठ रही हूँ। तो मैंने फटाफट से बाल बनाए, बस ऐसी उठी और अभी देवता आने वाला है और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है देवता जी को देखने की। और देखो अभी बारिश हुई बहुत ही भयंकर। इधर हमारी गाँव की औरतें सारी पजा के लिए रेडी हैं, यानी पटाखी और मम्मी धूप चला रहे। उस साइड देवता आ गया है, नाथलीनाथ के मंदिर जाएंगे और देवती को प्रणाम करेंगे। बेइज्जती होगी हमें, सीधा हम शूट करेंगे फिर तो वो देखता जो है मतलब आगे के चलेंगे। अभी देखता हूँ शायद परे जाएंगे जहाँ देवते के मेन स्थान है, वहाँ देवता बैठेगा। पंख देख कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे।